ओके, डायमंड की बात करें तो डायमंड का पहले स्ट्रक्चर देख लेंगे, एग्जैक्ट तो नहीं बट डायमंड में बनाने की कोशिश करता हूँ। इसके अंदर ही बहुत सारे सरफेस होते हैं। अगर ये डायमंड है तो डायमंड में देखो सबसे पहले ये होता है कि इसमें जितने इंसिडेंट रे होंगे होते हैं, इंसिडेंट रे जितने भी इस पर लाइट फॉल होंगे, एक सरफेस की मैं बात करूँ, जितने लाइट फॉल होंगे वो रिफ्लेक्टेड के बाद किसी सरफेस से देखा जाए तो उतने ही लाइट निकलते हैं। ओके, पहली बात तो कन्फर्म समझ लें कि जितनी लाइट इंसिडेंट होगी, और जब उसमें लाइट नहीं होती होता क्या है बेसिकली, इसमें टी आई आर की कंडीशन हो जाती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से, एक क्या लाइट एक दूसरे में मतलब उसमें चमक पैदा कर देती है और ये हमें चमकता हुआ दिखता है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो बोला है कि डज नॉट ऑब्जर्व सनलाइट, जो डायमंड होता है ऑब्जर्व सनलाइट को ऑब्जर्व नहीं करता। ओके, ठीक है, रीजन की बात सही है, असर्शन भी ट्रू है, बट इसका परफेक्ट रीजन नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन जो है बी करेक्ट है। रीजन ए होता कि जितना इंसिडेंट उतना जाती, तो ये सही होता। ओके।